सदी की महानायक अमिताभ बच्चन और कंटेंट के किंग कहे जाने वाले आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबों सितारों का जो ट्रेलर है वो आ गया है गाइस। और ये ट्रेलर देखकर जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, ये अफसोस बहुत बड़ा है, और ये अफसोस है कि ये फिल्म हम थिएटर में नहीं देख पाएंगे, 70 mm के पर्दे पर नहीं देख पाएंगे, उस बड़े से पर्दे पर ये फिल्म हमें नहीं दिखाई जाएगी। नो गॉड प्लीज नो नो, क्योंकि ये फिल्म रिलीज हो रही है OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर 12 जुलाई को। वैसे मैंने आपको डेट पहले ही बता दी कि ये फिल्म 12 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन यार ये फिल्म क्यों रिलीज नहीं हो रही है, क्यों रिलीज नहीं हो रही है, बहुत बड़ा बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि हम सबको पता है कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये फिल्म हम नहीं देख पाएंगे थिएटर्स में जाना बंद है। लेकिन यार ऐसी फिल्में थिएटर्स में देखनी चाहिए, क्योंकि ये कंटेंट बेस्ड फिल्म है, एक रिफ्रेशिंग कंटेंट के साथ, एक यूनिक कंटेंट के साथ ये फिल्म आ रही है। क्योंकि वरना तो आलतू फालतू की फिल्में देखकर हमने बहुत अपनी आंखों में जो दर्द है वो कर लिया है, जहाँ जो हीरो है वो तारों से झूलता रहता है, बम ब्लास्ट होते रहते हैं, बम ब्लास्ट बहुत होते हैं। अब क्या, क्यों इतनी तेज बोल रहा हूँ, क्यों इतनी फास्ट बोल रहा हूँ मैं? वेट अ मिनट, टाइगर के एक्शन स्टंट्स को फुल स्कोर है, उसकी जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है उसमें टाइगर ने मतलब चार चांद लगा दिए हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिल्म के ट्रेलर की। तो फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो भाई ये फिल्म का ट्रेलर इतना मजेदार है ना, एक टॉम एंड जेरी वाली केमिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। आपको बता दूं उसमें जो किरदार हैं वो है अमिताभ बच्चन, जिनका फातिमा महल एक बिल्डिंग है लखनऊ में, जिसमें एक टीनेंट जो ये हमारे आयुष्मान खुराना है वो रहते हैं, और बहुत ही परेशान है अपने मकान मालिक से, उनके जो मकान मालिक हैं वो अपने किराएदार से बहुत परेशान है। एक किराएदार और मकान मालिक की जद्दोजहद वाली जिंदगी, एक टॉम एंड जेरी वाला खेल चल रहा है दोनों की जिंदगी में, जो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी फनी हमें देखने को मिलता है। मकान मालिक चाहता है किसी भी तरह वो अपने जो किराएदार को घर से बाहर निकाल दे, और किराएदार चाहता है कि वो किसी तरह इस घर में टिका रहे, इस घर में बना रहे। उसके लिए क्या तिकड़म लगाता है मकान मालिक, वो यहाँ पर आपको फिल्म में देखने को मिलेगा, और काफी मजेदार तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि अमिताभ बच्चन के जो लुक्स हैं, सबसे ज्यादा किसी चीज ने अट्रैक्ट किया है मुझे तो भाई वो अमिताभ सर के लुक्स हैं। अमिताभ सर भी अपने जो लुक हैं उन पर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने लुक्स को लेकर। और एक जो बंदा अभी काम करता है, मतलब एक जो न्यू एज एक्टर है वो काम करता है, उससे ज़्यादा कई मेहनत अमिताभ बच्चन में अभी भी देखने को मिलती है। और यही रीज़न है कि अपनी उम्र के एक्टर्स में अमिताभ सर अभी तक इतने एक्टिव हैं और इतना अच्छा काम करते हैं, और इतनी अच्छी फिल्में उन्हें दी जाती हैं करने के लिए, चाहे वो पीकू हो या फिर पिंक हो, बहुत सारी मूवीज़ हैं। और ये पीकू और पिंक की बात करूँ तो मैं बता दूँ आपको, ये मूवी भी सुजीत सरकार ही डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पीकू की है, पिंक की है, अक्टूबर की है वरुण धवन की, और आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म डेब्यू फिल्म विक्की डोनर भी सुजीत सरकार ने ही डायरेक्ट की है, और वही इन दोनों को वापस लाए हैं। और तीनों आपको बताऊं एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तीनों ही नेशनल अवार्ड विनर हैं। नेशनल अवार्ड मिला है आयुष्मान खुराना को भी एक्टिंग के लिए, अमिताभ सर को भी, और अपने डायरेक्शन के लिए यहाँ पर सुजीत सरकार को भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है हमारे देश से। तो तीनों की जो तिकड़ी है, सारे ही नेशनल अवार्ड विनर हैं, और बहुत अच्छी फिल्म आपको देखने को मिलने वाली है। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म में जो तड़का लगाते नजर आ रहे हैं वो है विजयराज सर। विजयराज सर का तड़का जो फिल्म में लगा है वो बहुत ही और ज़्यादा स्पाइसी फिल्म को बना देता है, और ज़्यादा मज़ेदार फिल्म को बना देता है, और देखने में ये फिल्म और ज़्यादा फनी होने वाली है। क्योंकि विजयराज सर हैं, उनकी जो केमिस्ट्री है, उनके जो टाइमिंग है कॉमेडी में, यार हम सब जानते हैं कि उस पर कोई मुकाबला नहीं है। वो इतनी अच्छी तरह से हर किरदार निभाते हैं कि भाई बस यूं कर दिया। इसके साथ आपको नीलेश नील भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। नीलेश नील, आपको बताऊं मैं कौन है, तो नीलेश नील आपने फिल्म देखी होगी छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें पांडू का किरदार जिसने निभाया है वो है नीलेश नील। उनकी फिल्म आई थी स्मोकिंग बैरल्स भी, अगर आपने देखी हो, नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पर है स्मोकिंग बैरल्स, वो भी आप देख सकते हैं। तो नीलेश नील भी इस फिल्म में है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, वो भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। किस किरदार में देखने को मिलेंगे वो शायद अभी हमें नहीं पता, क्योंकि शायद उनके ट्रेलर में इतनी झलक नहीं आई है, लेकिन एक जो बंदा है ये भी आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। मतलब एक्टर्स की, अच्छे एक्टर्स की कोई कमी नहीं है इस फिल्म में, एक से बढ़कर एक एक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर जो आपका मनोरंजन करने वाले हैं। इस ट्रेलर में जो सस्पेंस देखने को मिला वो है यार इस फिल्म का नाम गुलाबो सिताबो। जितना हमने पढ़ा है इस फिल्म के बारे में, जितना हमने जाना है इस फिल्म के बारे में, तो हमें पता है कि यार जो गुलाबो सिताबो हैं वो अमिताभ सर की बकरियों का नाम है, जो फिल्म में हमें, जो ट्रेलर में हमें देखने को मिलती हैं उनका नाम है गुलाबो सिताबो। उनका क्या किरदार है, उनका क्या रोल है इस फिल्म के अंदर, वो कैसे इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनके, यार उनके नाम पे फिल्म बनी है गुलाबो सिताबो, बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होगा उनके बारे में कुछ, वो सब हमें यहाँ पर नहीं दिखाया गया है ट्रेलर के अंदर कि उनका क्या रोल है, क्यों ये जो फिल्म का नाम है वो गुलाबो सिताबो पड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है अभी तक। बाकी बात करें तो फिल्म का जो ट्रेलर है वो बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा बनाया गया है। एक डायलॉग है एंड में, यहाँ पर आयुष्मान खुराना बोलते हैं अमिताभ बच्चन को कि आप मुझे गोद ले लीजिए, और अमिताभ बच्चन उसे भगाते हैं, उसे भग भग इस तरह करते हैं, तो काफी मजेदार, काफी एक बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री दोनों को देखने बीच में मिलने को वाली है आपको। तो गाइस
मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। 12 जुलाई को अमेजन प्राइम पर आने वाली है ये फिल्म। आप कितने एक्साइटेड हैं और आपको फिल्म का जो ट्रेलर है वो कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी, जो भी है कहना कमेंट करके जरूर बताना। एक अपना छोटू सा कमेंट जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे विनम्र विनती है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इधर इधर कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा लाल कलर का, उसे जरूर दबा देना। यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो तो यार कंटेंट बनाते हैं हम ऐसे गर्मी में बैठ कर, तो प्लीज़ गाइज यूट्यूबर्स को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब इस चैनल को करके तभी जाना। तब तक के लिए खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, हमारे चैनल को देखते रहना। कीप ऑन वॉचिंग द टॉलीवुड रिपोर्टर।